बद्दी पुलिस ने देशभर में बैंक खातों से पैसे निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार थाना बद्दी में दिनेश कुमार निवासी सिरमौर द्वारा पेटीएम के माध्यम से 1 लाख रुपए के गमन का मामला दर्ज करवाया था, जिसके उपरांत एसएचओ बद्दी लखवीर सिंह की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया और इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया। इस गिरोह ने दिल्ली में एक कॉल सेंटर बनाया था, जिसके जरिए लोगों से उनके एटीएम व बैंक खातों की जानकारी लेकर पैसे उड़ाए जाते थे। पूरे देश में इस तरह के मामले सामने आते हैं और सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाते हैं, लेकिन जिला अधीक्षक बद्दी रोहित मालपानी के निर्देशानुसार थाना प्रभारी बद्दी की टीम ने कई दिनों से दिल्ली में सुराग इकट्ठे कर इस गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है और पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस को कॉल सेंटर से कई प्रकार के हाईटेक उपकरण भी बरामद हुए हैं और पुलिस सारी प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद उक्त कॉल सेंटर को सील कर देगी। इस गिरोह के पर्दाफाश होने से धोखाधड़ी के काफी मामले सुलझ सकते हैं। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी बद्दी अनके शर्मा ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य दिल्ली में एक कॉल सेंटर से लोगों के एटीएम व बैंक खातों की जानकारी लेकर उनके खातों से पैसे निकलवाते थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और उन्होंने साथ में लोगों से अपील भी की है कि वह अपने बैंक खाते और एटीएम की जानकारी किसी को फोन पर ना दे। अब हमारे पास एक सिरमौर निवासी दिनेश कुमार की शिकायत पर एक मामला थाना बद्दी में दर्ज हुआ था, जिसकी अन्वेषण के दौरान हमारी विशेष अन्वेषण टीम ने एक व्यक्ति को दिल्ली से छापा मारकर गिरफ्तार किया है और इसका नाम विवेक कुमार है, जो बिहार का निवासी पाया गया है। युवक को हमने गिरफ्तार कर लिया और उन्हीं को भी तलाश जारी किए हुए हैं। ये छात्र दिल्ली में क्रेडिट कार्ड कॉल सेंटर चलाते थे, जहां पर ये पेटीएम इत्यादि की आईपी एक्सेस कर लोगों से फ्रॉड करते थे। मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि किसी भी अजनबी की फोन कॉल आने पर अपने अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम व ओटीपी इत्यादि को ना बताएं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए बद्दी से अमर गुज्जर की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।